हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल गुड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोईम द शेड। दिस इज़ द पोईम ऑफ चैप्टर 3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द स्पीकर इन द पोईम? आंसर इज, द स्पीकर ऑफ द पोईम इज द पोइट। क्या है पोइट का नाम? फ्रैंक फ्लिन। ओके, फ्रैंक फ्लिन इज द नेम ऑफ द पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर इज द पोइट। तो पोइट्स नेम क्या है यहाँ पे? द नेम ऑफ द पोइट इज फ्रैंक फ्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज शी ओब्लिक ही अफ्रेड ऑफ क्यूरियस आर बोथ? ठीक है, यहाँ पे है कि इज शी ओब्लिक ही अफ्रेड आर क्यूरियस आर बोथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ही इज अफ्रेड एज वेल एज क्यूरियस। ही इज क्यूरियस टू इंटर द शेड एंड एट द सेम टाइम ही फील्स दैट समवन इज स्टेरिंग एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इज शी ओब्लिक ही प्लानिंग टू डू सून? आंसर, ही इज प्लानिंग टू ओपन द डोर एंड इंटर द शेड समडे सून। बट इज शी ओब्लिक ही प्लानिंग टू डू सून? आंसर इज, ही इज प्लानिंग टू ओपन द डोर एंड इंटर द शेड सम डे सून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट फोर्थ, बट नॉट जस्ट येट सुजेस्ट्स डाउट फियर हेजिटेशन लेजीनेस आर समथिंग एल्स। चूज द बर्ड विच सीम्स राइट टू यू, टेल अदर्स व्हाई यू चूज इट। आंसर इज, आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सुजेस्ट्स हेजिटेशन। इट शोज दैट द स्पीकर वांट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ हिज थॉट्स अबाउट द शेड। ही करंटली फियर्स दैट समवन स्टेयर्स एट हिम एंड एट द सेम टाइम आल्सो थिंक दैट हिज ब्रदर्स क्लेम दैट देर इज ए घोस्ट is just a lie, so he is hesitating to take any further steps for now. देखो यहाँ पे बहुत ही important question बनता है। Part 4 में लिखा है but not just yet suggests doubt fear hesitation laziness or something else. Choose the word which seems right to you, tell others why you choose it. यहाँ पे आंसर में क्या है? आई थिंक बट नॉट जस्ट येट सुजेस्ट्स हेजिटेशन। इट शोज दैट द स्पीकर वांट्स टू टेक सम मोर टाइम टू बी श्योर ऑफ हिज थॉट्स अबाउट द शेड। ही करंटली फियर्स दैट समवन स्टेयर्स एट हिम एंड एट द सेम टाइम आल्सो थिंक दैट हिज ब्रदर्स क्लेम दैट देर इज ए घोस्ट इज जस्ट ए लाई, so he is hesitating to take any further steps for now. Next question, question number 2, is there a room in your house or a house in your neighborhood locality where you would rather not go alone and never at night? If there is such a place and a story to go with it, let others hear all about it. Answer is, yes, there is a room in my house where I don't go alone and never at night. That room is the storeroom in the backyard. We keep the things that are not in use currently. ठीक है, उसमें जो है हम कौन सी चीज़ रखते हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है। We open that room very rarely and I feel scared to go alone there. Once I had gone there alone and there was a power cut. I screamed and started shivering with fear. I also heard some noise which made me even more frightened. Due to my screams, my family members came running towards the storeroom and calmed me down. After some time, the power came back. Then we saw a rat roaming around and I understood where the noise was coming from.
बट आई स्टिल फील वेरी स्केयर्ड टू गो देयर अलोन स्पेशली एट नाइट। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, कई बार क्या होता है कि हम जो है डर जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ होता है कि हम डर जाते हैं। सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस विच ही हैज़ शेयर्ड विद अस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हैं इसके, इस पोइम के दो ही क्वेश्चन हैं। सो आप जो है ये जो क्वेश्चंस हैं इनको दो तीन बार जो है अच्छे से रीड कर लीजिए, बिकॉज हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ये जो आपका चैप्टर नंबर सॉरी लेसन नंबर 3 है, दैट इज़ बिफोर यू रीड। ठीक है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे। सो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।